मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। ऐसा नजारा राजगढ़ जिले के ग्राम पंचायत मुगलखेड़ी में देखने को मिला, जहां कांता भाई जगदीश प्रसाद डाबी चुनावी रण में उतर आए हैं और चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं के बीच जाकर समर्थन मांगने लगे हैं। बता दें कि जगदीश डाबी ने बताया कि उनका लक्ष्य राजनीति करना नहीं बल्कि गांव का विकास करना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम मुगलखेड़ी में सरपंच पद के उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जगदीश प्रसाद ने बताया कि राजनीति में आने का उनका मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं बल्कि मानव सेवा करना है। चुनाव जीतने पर वहां गांव में व्याप्त जल संकट को दूर करने के साथ हितग्राहियों के हक की आवाज उठाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत मुगलखेड़ी के सरपंच प्रत्याशी श्रीमती कांताबाई जगदीश प्रसाद डाबी को मतदाताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। बता दें कि इससे पहले भी जगदीश प्रसाद गांव में अपना एक अलग पहचान बना रखे हैं। गांव में हर धार्मिक काम से लेकर हर छोटे बड़े को साथ लेकर चलते हैं। इसके तहत गांव के विकास के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। यही वजह है कि इस बार मतदाता सरपंच की कुर्सी पर ऐसे प्रत्याशी को काबिज करना चाहती है जो जमीन से जुड़ा हो। बता दें कि सुपर मुगलखेड़ी में पंचायत चुनाव का घमासान प्रत्याशी कांताबाई जगदीश प्रसाद डाबी ने मैदान संभाल लिया है। वहीं राजनीति करना उनका मकसद नहीं मानव सेवा उनका लक्ष्य है। आइए नजर डालते हैं कांताबाई जगदीश प्रसाद डाबी के समर्थन में आकर कितने मतदाता क्या है और पूरी खबर आपको दिखाते हैं। हरिओम जांगड़े की रिपोर्ट, R9 भारत के लिए। अगर वर्तमान में जनता आजाद के लिए क्या करोगे? अगर जनता मुझे वोट देकर पंचायत में सरपंच पद के लिए जिताती है तो मैं उनके विकास के लिए हर एक काम करूंगा और कोशिश करूंगा। मैं विशेषकर शिक्षा पर ध्यान दूंगा, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दूंगा और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं पंचायत में उन सबको सुलझाने की कोशिश करूंगा। जल योजना पर ध्यान दूंगा, पानी की व्यवस्था कराऊंगा, वृद्ध पेंशन जो है उसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको भी दिलाने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा।